वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है ठीक होंगे खुश होंगे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी और मैं हूँ टीएन दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने लगा हूँ जिन्हें देखकर आप चंद सेकंड के लिए तो हैरत में पड़ जाएंगे कुछ ऐसे अजीब व गरीब इतफ़ाक जो शायद ही आपने कभी पहले देखे हों तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ लो भाई दोस्ती हो तो ऐसी एक परिंदा दूसरे की कमर पे चढ़ के बैठ गया वैसे ये उस मकसद के लिए तो नहीं बैठा मगर ये नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है ये चीज़ तो इंसानों के अंदर है एक दूसरे के कंधे पे पैर रखना खैर दोस्तों चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ ये तस्वीर भी अपने आप में एक बहुत ही अजीब है बॉयफ्रेंड की छः उंगलियां हैं और उसकी गर्लफ्रेंड की चार उंगलियां बहुत ही अजीब और गरीब इतफाक़ है ये ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं ऐसे इतफाक कम तो क्या शायद ही कभी आपको देखने को मिले हैरत में डाल देने वाला है ये डॉग के कान पर एक और डॉग सा बना हुआ है कुदरती तौर पर ऐसा नहीं है कि गौर करें और कोई हमें समझाए तो हमें डॉग लगेगा लेकिन नहीं वो वाकई पहली ही नज़र में आपको डॉग नज़र आ जाता है उसके कान पर परिंदे कहीं भी किसी भी जगह बीट कर देते हैं और अक्सर आपके ऊपर भी बीट की होगी कभी परिंदे ने बड़ा गुस्सा आता है लेकिन दोस्तों ये देखें परिंदे ने बीट तो की एक पत्ते पर लेकिन उस बीट की वजह से प्रॉपर एक और परिंदे का नक्श बन जाता है दोस्तों पहली नज़र में तो ऐसा लगता है किसी ने हाथ से पेंटिंग की हो लेकिन गौर से देखें तो वो परिंदे की अपनी ही बीट है है ना बहुत ही हैरत अंगेज़ एक शख्स की टाँग पर टैटू बना हुआ है ड्रैगन का दूसरा ड्रैगन सेम उसी जगह पर उसी लाइन में आकर बैठ जाता है बहुत ही अजीबो व गरीब इतफाक़ है अगर ये पिक ना होती तो शायद आप यकीन न करते ये देखें दोस्तों कैरेट्स का आपस में प्यार एक कैरेट्स दूसरी कैरेट्स के साथ जखड़ी हुई है ऐसा होना भी नामुमकिन है बहुत ही कम ऐसा मुमकिन है नाकबिल यकीन दोस्तों इस तस्वीर में आबशार से पानी गिरता हुआ लग रहा है लेकिन ये अब आबशार नहीं सूख कर बर्फ बन चुकी है बर्फ भी इस तरह बनी के पानी गिरता हुआ लग रहा है अगर ये शख्स इस पर चढ़ नहीं रहा होता तो शायद ये पानी ही की पिक लगती क्योंकि आसपास भी बर्फ नहीं है बहुत ही यूनिक पिक्चर है ये दोस्तों प्यास काटते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर ये प्याज खुद ही रो पड़ा शायद अपने काटने वाले की आंखों में आंसू देखकर प्याज रो रहा है या मुस्कुरा रहा है ज़रा गौर से देखें दोस्तों प्याज काटते हुए इसके अंदर एक एक्सप्रेशन वाली छबी निकलना इमोजिन टाइप है ना हैरत की बात एक शख्स बटरफ्लाई देख रहा था कागज़ पर जिस कलर की बटरफ्लाई बनी हुई थी सेम उसी ही कलर की बटरफ्लाई वहां आकर बैठ जाती है दोस्तों गौर से देखें सेम वही कलर की वो बटरफ्लाई है वाह क्या इतफाक है इसे कहते हैं गुड लक किस तरह इस शख्स की कार की बचत हुई दोस्तों नोट करें दरख्त के डिज़ाइन को इस तरह बना हुआ है कि उसने कार को बचा लिया इसे कहते हैं बाल बाल बचना हैरत अंगेज़ इतफाक इस पिक्चर को देखकर हैरत होती है किस तरह ये कार बल्कनी में पहुँची ये कार बल्कनी तक गई कैसे इस पिक्चर को देखकर बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं दोस्तों तमाम ब्लैक कलर की बिलियाँ बच्चों के एक झूले में बैठी हुई हैं शायद कोई मीटिंग कर रही हैं मीटिंग नहीं कर रही मगर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर कर रही हैं काली बिलियाँ बैड लक भी समझी जाती हैं पांच बिलियाँ एक वक्त में एक ही जगह हैरत है दोस्तों आप क्या समझते हैं बोने सिर्फ़ इंसानों में होते हैं इस घोड़े को देखें और इसके बच्चे को देखें जो कि बोना पैदा हुआ ये भी बहुत कम मुमकिन है कि एक सही और लंबे जानवर का बच्चा छोटी हाइट के साथ पैदा हो लेकिन ऐसा मुमकिन हो गया ये तस्वीर इसका सबूत है दोस्तों इस शीप भेड़ के बाल इतने बढ़ गए हैं कि घास उगने लग गई इसके बालों में इसका मालिक इसका बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखता उसे नहलाना धुलाना बालों की कटिंग कराना इंसान अगर कोई जानवर पालता है तो उनका एहसास भी करे दोस्तों ये थे कुछ अजीबोगरीब व ग़रीब दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है एक लाइक तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़